रिटायर तो नहीं हो लड़कियां विहनिया सी सत लड़कियां विह के तो फिर इतों ही कमाई करके इतें ही मेहनत करके 70 साल हो चलिया 45 साल इतने अड्डा भी मेरे बाद बनया ये ताड़ी गाड़ी गड़ी गड्डी गई है चेचे वो आए ही वेखन बापू 90 साल का कुर्चे ला रहा वेखिए से सत कुड़िया तो पैसा कोई नहीं मैं बह जा हूँ एक खादा मैं धक्के ना दो खवाए इन मैं जो वो चले गया मुड़ के तो इस दुनिया के हर किसी की इच्छा होंगी है कि उसके बच्चे उसका सहारा बनन लेकिन अज तुहानू एक इहो जिहे बजुर्ग नाल मिलवान जा रहे हैं जिहड़ा खुद ही अपना सहारा है करीब 90 साल तो दी उम्र है इस बुजुर्ग की तो 45 साल तो कुलचे का काम कर रहा है अज भी लोग उसके कुलचे के दीवाने सब तो पहला तस्वीर तुहानू जरूर दिखाना चाहवांगे उस बुजुर्ग दियाँ हालांकि पाकिस्तान तो यह बुजुर्ग आया सी तो उस तो बाद करीब 45 साल तो इस जगह पर रेहड़ी लगा रहा तो अज भी लोग उसके कुलचे के दीवाने हैं नाम है बापू कुलचिया वाला सो बापू कुलचिया नाल गल करांगे अते जानने की कोशिश करांगे कि 70 साल की उम्र च लोग जो सरकार 60 साल की उम्र च रिटायरमेंट दे दिंदियां तो अज 90 साल उस तो 60 साल तो उपर मतलब 30 साल होर हो गए इन्हों काम करते करीब 90 साल की उम्र तक अज तक वो कुलचिया का काम कर रहे हैं तो लोग उन्होंने कुलचे दूरों दूरों खान भी आते हैं बापू जी सब तो पहला तुहाड़ा नाम की है तो 90 साल की उम्र होगी तुहाड़ी 60 साल की उम्र तो सरकार भी रिटायर कर देंदियां लेकिन तुम अज भी अपने हाथी काम कर रहे हो तो लोग ढाडे कुलचिया के दीवाने देखो जी गल है कि मैं रिटायर तो नहीं हो लड़कियां विहनिया सी सत लड़कियां विह के तो फिर इतों ही कमाई करके इतें ही मेहनत करके 70 साल हो चलिया 45 साल इतने अड्डा भी मेरे बाद बनया इतने मैं खलो के सारी काम इस सिलम चो मेहनत करके रेहड़ी से टुटी से ते अपना टाइम पास किया तो हूँ भी उस मालक की बड़ी कृपा आ तो माड़ी मोटी टुटी भी जिदा भी है मैं अपना टाइम सार लिया 22-23 साल का सा जो मैं पाकिस्तान के बच्चों आया तो इधर आन के भी वही खुराक आ तो उधर भी खुराक हुई सी कोई माड़ा चीज़ मैं खाता नहीं कि पुरानिया खुराक खादिया हो तो बंदे कख नहीं होंगे तुम्हें भी पुरानिया खुराक खादिया तो अज भी लोग तो कुलचे के दीवाने हैं कुलचे की खास बनाते हो किमें कुलचे के मेहनत करते हो कि पाते हो कुलचे स्पैशल तौर पर कि लोग दीवाने अज अपना जोर मैं पूरा लाना हों गोभी भी पानी प्याज भी पाना आ वेखो मसाले ये सारे बनते लाने मसाले आप बना हाँ जी आप बना जी इन्हों उ ला के तो अगले स्वाद देना तो फिर गाहक ने मेरे को आना ही आना तो जे मैं दऊँगा कख ना तो मेरे को लैन आना के नाले अगला सोचता बजुर्ग है तो कोई लैन जाना तो वो शहीदाले की बड़ी कृपा हैगी कि जरा दूरों दूरों चंडीगढ़ तो भी अभी ताकि गाड़ी गड़ी गड्डी गई है चेचे वो आए ही वेखन भी बापू 90 साल का कुर्चे ला रहा वेखिए से सत्त कुड़िया तुसी इस रेहड़ी तो व्याईया कितों का काम करते पे हो पाकिस्तान कितों छड़िया सी पाकिस्तान का मैं हूँ पढ़ा लिखा मैं नहीं तो मैं याद नहीं भी कदों छड़िया तो कदों आया मैनू इन्ना क पता कि मैं 22-23 साल का पाकिस्तानों मैं तो बह के बोलदा की जोड़ी गाड़ी गड्डिया से लैके आया तो इतने खलोते मैं 50 साल हो ही चले आ इस रोड से जिते मैं खड़ा इसे सिलम तो मैं दवानी का जवानी का कुलचा वेच के बच्चे ब्याए मकान पाए तो अपनी जिंदगी जी इन खराब नहीं होता दो अटैक होया तभी परवाह नहीं की अख मेरी दे चिट्टा सी चिट्टा मोतिया बन गया वो चिट्टे मोतिए तो उत्ते मास आ गया मास जरा ही अख चो बहर आ गया तो कनेडा दे विचों कोई सिंह सी तो उन्होंने सेवा नहीं मेरी अख की 70,000 रुपया उन्होंने लाया मेरे को बिल पे ने ते अजे भी उन्होंने बंदे परसों भेजे भी वेखो बापू के जे रेहड़ी अर्गे मकान है तो टा दौ तो नवे बना दौ बड़ी वो शहीदाले की कृपा तो वह तोरी जाता तो मैनू हौसला आता जाता तो मैं अपना काम तगड़ा के जो तो 12 साल का मुंडा काम करता मैं इस तरीके कर रहा तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मैनू उहदा ही आसरा तो उहदे नाल मैं सब कुछ मेरी लत दर्द नहीं होंदी गोडा दर्द नहीं होंदा।
नहीं तो अजकल किन्ने बजे सवेरे आते रूटीन की है सवेर तो लैके शाम तक सवेरे मैं 3 बजे उठदा उठ के महाराज का नाम लईदा हाथ मूँह धोईदा सौदा पाईदा 6-7 बजे इतने आ जाइए पैदल आते पैदल करो नहीं टैंपू से बह के आई तो इतों आन के फिर ये दुआले फिर आलू छिल वो कर गले पा गोभी कर करा के सारा तैयार करके तो मैं तैयार कर देना तो फिर आसे आसे लाई जाना कहते जो बच्चे होंगे तो हर बंदे की आस होंगी कि बच्चे सहारा बनन तो लेकिन तुसी अपना सहारा खुद ही हो कहो जहा लग रहा अज की उम्र इस उम्र च भी काम करके लोगों लिए तुसी लेकिन एक गल आप होर सुनी है कि जे कोई गरीब होए किसी को पैसा ना हो तो तुसी उन्हें भी फ्री दे देंगे हो कि चल ढिड भरना चाहिए फ्री दे देना कल इदा ही एक आदमी मेरे को इतने आया वो बैग वो कोल मैं कहता कि बापू जी मेरा बैग तो मेरा डब्बा सी रोटी वाला वो किसी ने कढ लिया तो मैं की करना आंदा मैनू भुख बड़ी लगी तो कुलचा खवा दो तो पैसा कोल कोई नहीं मैं कहा बह जा हूँ एक खादा मैं धक्के ना दो खवाए इन मैं कहा जाओ वो चले गए मुड़ के दो बार कोई चंडीगढ़ आए तो वेख नहीं सी वो इतने खाण लिया कुलचा उन्होंने भी ख्याल किया कि ये बजुर्ग चल गया इस को पैसे नहीं लाया ना उन्होंने 100 उन्होंने 90 उन्होंने बने ही वो 200 का नोट मैंने बिठा के चले गए मैंने शहीद वाले ने उधरों भेज थे इस करके मन में परवाह नहीं करी थी जे नहीं भी पैसा तो देते जे क्योंकि कराया नहीं मैं दावी पंजाब दे भी देना क्या लाते जिसे जाना चल वो लोगों की संदेश देना चाहते हो जे 60 साल या 65 साल तो बाद कहते कि असी हूँ काम नहीं कर सकते असी हूँ रेस्ट करनी है देखो जी गल बी ये उन्हां दियां खुराकां जां उन्हां दी अपनी बुद्धि जां कईआं ने हुण शराब पी लैणी ते डिग पैणा ते रोटी नहीं खाणी ते उन्हां दे गोडे दर्द होणे उन्हां दी लत्तां दर्द होणियां जदों आहां खाणा ही माड़ी चीज़ नहीं इत्थे पाई आ दबा प्या दे कोई ते इत्थे डिगदा फिरदा चंगा भला बंदा ते सानूं कोई फर्क ही पैंदा अहीं घिओ दुद्ध पीणा ते रात नूं जाणा ते जा के सौ जाणा ते दुआर दा नशा हो जाणा तो बिल्कुल पुरानियां खुराकां तुहाडे सामने नज़र आ रही साडा लोग भी मौजूद है जिहड़ा खास तौर पर हाँ जी हाँ जी ए चीज़ आ इत्थे मुंडे कहे दे वेखो तो आ गोटे तुहानूं किद्दां दे नज़र आउंदे ते इहनूं टोके वेखो हड्डियां ही है लोया कि नहीं इस करके जिहड़ी वो पिछली खुराक है साडी वह सानूं अजे भी हिलण नहीं दिंदी ते असीं ते कहिंदे भी बंदे जिहड़े भैण भरा साडे इदां ही खुराकां खाण ते साडे वर्गे होण हाँ जी सो बिल्कुल पुरानियां खुराकां साडे नाल लोग भी मौजूद आ जिहड़े खास तौर पर इस दुकान पर पुजे है भाजी खास तौर पर पुजे दुकान पर बजुर्ग जी 90 साल की उम्र के भी लोगों तक रोटी पहुँचाने का काम कर रहे हैं कुलचे खवा रहे हैं हालांकि किसी को पैसे ना आते फ्री भी खवा देंगे किवें मनते उन्हें सर वेखो ना मैं लागे मेरा पिंड वा मैं जो भी अमृतसर आना ना तो हफ्ते जो एक या दो चक्कर जो बजते हैं मैं बापू जी होने कुलचा खा के जाता तो वेखो तगड़े बंदे वास्ते हर कोई जाता कि बंदे टमाटर बंदे तो भी जाके रोटी खावे उन्होंने आस होंगी है भी हाँ भी मैं भी आया वहाँ तो मैनू भी कोई ना कोई मेरा गाहक आए हाँ जी तो मैं कहना वेखो तुम भी चैक करके वेखो कुलचा इन्ना दा इन्ना स्वाद आ तो वेजिटेबल रेट आ कोई यह नहीं भी फालतू नहीं भी महंगा ज बिल्कुल जायज रेट इन्हों का तो बहुत वधिया हाँ जी सो बिल्कुल बहुत स्वाद कुलचा है काफ़ी करीब 50 साल तो बापू कुलचे वाले जो अमृतसर काम कर रहे हैं तो सब तो वड्डी गल है कि 90 साल की उम्र इन्हों की हो गई है लेकिन अज भी वो लोगों को संदेश दे रहे हैं क्योंकि अगर सरकारां की गल करिए तो सरकारां भी 58-60 साल की उम्र रिटायर करके घर रेस्ट करने का लोगों को सलाह दिंदी है लेकिन बापू जी 90 साल की उम्र भी लोगों तक कुलचा पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो अगर किसी को पैसे नहीं होंगे तो वो उन्होंने फ्री भी कुलचा अपने हाथ खवा देंगे ने अमित शर्मा पंजाब तक अमृतसर।